हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स और क्लास सिक्स की हमारे पास है एक्सरसाइज 8.6। ये हमारे चैप्टर की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम डेसिमल्स जो नंबर हैं उनकी सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। अभी तक तो हमने उन नंबर्स को प्लस करना सीखा था, अब हम उसको माइनस करना सीखते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट है रुपीज़ 18.25 फ्रॉम 20.75। अब 18.25 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, 20.75 में से। तो जिसमें से करना है जो ज़्यादा वो ऊपर आएगा, 20.75 माइनस कर देंगे 18.25। 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, पॉइंट एज इट इज़। अब इधर से कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, 1 में से 1 गया 0, ये आ जाएगा 02.50। सेकेंड है बी, 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। अब ये देखना हमें 250 मीटर में से माइनस करना है, तो 250 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, जीरो जीरो लगा देंगे। इसमें क्या है, 202.54, अब माइनस कर देंगे। अब यहाँ से जीरो है, नहीं कर सकते, तो कैरी लेके आएंगे इधर से, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ कितना बचा 4, क्योंकि यहाँ से कैरी गई थी, तो 5 यहाँ पे क्या बचेगा 4, 2 में से 2 गई 0, ये आ जाएगा 47.46। नेक्स्ट है सी, रुपीज़ 5.36 फ्रॉम 8.40। 8.40 में से हमें किसको माइनस करना है, 5.36 को माइनस करना है। इधर से कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट एज इट इज़, 8 में से 5 जाएगा 3, ये आया 3.04 रुपीज़। डी पार्ट, 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 2.206 किलोमीटर। अब 5.206 किलोमीटर में से हमें माइनस करना है 2.051, पॉइंट के बाद की जो डिजिट है वो हमें सेम करना होता है, 6 में से 1 जाएगा 5, इधर से कैरी ली 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 1 का 1, पॉइंट एज इट इज़, 5 में से 2 जाएगा 3, ये आया 3.155। नेक्स्ट है ई, 0.314 या 314 केजी फ्रॉम 2.107 केजी में से, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 2.107 माइनस कर दिया 0.314, 7 में से 4 जाएगा 3 आया, इधर से हमने कैरी ले ली 10, 10 में से बन जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 0, तो इधर से फिर कैरी ले ली 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 1 बच गया, 1 का 1 एज इट इज़, 1.793 ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है हमें 9.756 माइनस करना है 6.28, 9.756 में से माइनस करना है 6.28। अब ऊपर तीन डिजिट थे इसलिए हमने एक और क्या लगा दी, 0, 6 में से 0 जाएगा 6, इधर से कैरी ले लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6, 6 में से 2 जाएगा 4, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, ये आएगा 3.476 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है बी पार्ट, 21.05 माइनस कर देंगे 15.27, 21.05 माइनस 15.27, अब कैरी ले लेंगे 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ से कैरी ली थी, यहाँ 0 हो गया, फिर इधर से कैरी ले ली 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, यह है 05.78। नेक्स्ट है सी, 18.5 माइनस 6.79, 18.5 में से 6.79, अब दो डिजिट है तो ऊपर भी डिजिट बढ़ाना है इसलिए हमने 0 लगा दी, इधर से कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 4, फिर इधर से कैरी ले लेंगे 14, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 का 1 एज इट इज़ 11.71। नेक्स्ट है 11.6 माइनस कर देंगे 9.847, 11.6 माइनस कर 9.847, अब थ्री डिजिट है तो ऊपर हमने दो जीरो लगा दी। अब देखो इधर से कैरी लेंगे, इधर
10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 5, इधर से कैरी ले लेंगे 15 में से 8 जाएगा 7, पॉइंट यहाँ 0 हो गई। अब इधर से कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया, तो ये आ जाएगा 1.753। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजू बोट ए बुक ऑफ रुपीज 35.65। राजू ने एक बुक खरीदी 35.65 रुपीज की। ही गेव रुपीज 50 टू द शॉपकीपर, और उसने दुकानदार को 50 रुपीज दिए। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर से कितने रुपए वापस लेगा, उसको कितने रुपए मिलेंगे। टोटल अमाउंट था 50 रुपीज, कॉस्ट ऑफ बुक कितना है 35.65, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तभी तो हमें अमाउंट पता चलेगा कि कितना अमाउंट बचा हमारे पास। माइनस कर देंगे, इधर से किया 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 9, 9 में से 6 गया 3, पॉइंट एज इट इज। अब यहाँ से कर लेंगे 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे कितना था 4, 4 में से 3 गया 1, यह आ जाएगा 14.35 रुपीज शॉपकीपर उसको वापस देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी हैड रुपीज 18.50, सी बोट वन आइसक्रीम फॉर रुपीज 11.75। रानी के पास 18.50 रुपीज थे और उसने एक आइसक्रीम खरीद ली 11.75 रुपीज की। हाउ मच मनी डज सी गिव हैव नाउ, अब उसके पास कितने रुपए हैं। टोटल मनी 18.50, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम 11.75, अमाउंट लेफ्ट कितना अमाउंट बचेगा माइनस कर देंगे, इधर से कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा 4, अब इधर से कैरी ले लेंगे 14, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ से 1 में से 1 गया 0, कितना बचा हमारे पास 6.75 रुपीज रानी के पास से अभी भी बचे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। सी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग ए कर्टेन, उसने कर्टेन बनाने के लिए उसमें से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा कट कर लिया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना कपड़ा बचा हुआ है। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है 20.05 मीटर, लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज कितना यूज कर लिया 04.50 मीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कर लिया ना। रिमेनिंग क्लॉथ बचा हुआ कपड़ा कितना, इसमें से माइनस कर देंगे 5 का 5 आ जाएगा, इधर से कैरलिंग 10, 10 में से 5 जाएगा 5, या 9, 9 में से 4 गया 5, या 1 बचेगा 1 का 1, 15.55 मीटर अब उसके पास कपड़ा बचा हुआ है। नेक्स्ट है 6, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, नमिता ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे हर डे। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस एंड रेस्ट बाई ऑटो, और ये बोल दिया उसमें से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर तो बस से ट्रेवल करते और बाकी जो बच गया वो ऑटो से। हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाई ऑटो, वो ऑटो से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 20.050 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस, बस से कितनी ट्रेवल की 10.200 किलोमीटर। अब ये पूछ रखा है कितनी ऑटो से की, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑटो इस टोटल में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगी वो ऑटो से की। 0 का 0, 5 का 5 एज इट इज, इधर से कैरी ले 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 9 बचेगा 9 का 9, यहाँ 2 1 गया, 1 में से 1 गई 0, तो 9.850 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो अपनी ऑटो से कवर करती है। 7th है, आकाश बोट वेजिटेबल्स वेटिंग 10 किलोमीटर, आकाश के पास जो सब्जियां हैं उनका वेट है 10 किलोग्राम। आउट ऑफ दिस 3 केजी 500 ग्राम इन ऑनियन, उसमें 3 किलो 500 ग्राम तो उसके पास ऑनियन है, 2 केजी 75 ग्राम इज टोमेटो, और 2 किलोग्राम 75 ग्राम उसके पास टमाटो है, एंड द रेस्ट इज पोटैटो, और जो बचे हुए हैं वो आलू हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटोज, पोटैटोज का वेट निकालो। अब देखो जो हमारे पास टोटल है वो पता है हमें, टोटल कितना वेट है 2 का पता है, तो उन दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, वेट ऑफ ऑनियन
3.500 किलोग्राम, और वेट ऑफ टोमेटोज, टोमेटोज का इन्होंने दे रखा है 2 kg 75 ग्राम। अब 2 kg 75 ग्राम दे रखा है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 7। अब देखो 3.500 इसका दे रखा है 2.075 किलोग्राम, टोटल वेट कितना हो गया दोनों का, 5 as it is, 7 as it is, 5 as it is, 3 to 5। अब ओनियन और टोमेटो है जो, उनका अगर हम टोटल वेट चेक करते हैं तो 5.575 हो गया, और टोटल वेट था 10 किलोग्राम। तो इसमें से अगर हम इन दोनों का टोटल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, पोटैटोज़ का बचेगा, वेट ऑफ पोटैटोज़। कैसे करेंगे, 10 किलोग्राम था टोटल, उसमें से माइनस कर दिया 5.575। अब देखो इधर से कैरी लेते चले, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 0 बच गए, तो कितना आया 4.425। तो हमारे पास जो पोटैटोज हैं वो कितना वेट है उनका, 4 kg 425 ग्राम हमारे पास से पोटैटोज का वेट था। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.6। ओके, थैंक यू।